अयोध्या सरयू नदी में नाव पलटने से 8 लोग डूबने लगे, जिसमें से 5 लोग तो किसी तरह नदी के बाहर आ गए, लेकिन एक व्यक्ति व 2 युवती अभी भी लापता है, जिसकी खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्रों में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना को लेकर जिला प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। बताते चले कि अयोध्या थाना महाराजगंज क्षेत्र के पुलिस चौकी पूरा बाजार अंतर्गत ग्राम मरना के सभी व्यक्ति खेती के बाद पशुओं के चारा की तलाश में सरयू पार जाते हैं। कल देर शाम जब एक नाव पर 8 व्यक्ति सवार होकर सरयू के उस पार चारे की तलाश में निकले तो चारा लेकर लौट ही रहे थे कि तो 8 व्यक्ति सवार ना गहरे पानी पहुंचते ही अनियंत्रित होकर नाव पलट गया। 5 व्यक्ति को किसी तरह से बाहर निकाला गया, लेकिन एक व्यक्ति और 2 युवती अभी भी लापता है। वहां के स्थानीय निवासी का कहना है कि नाव पर 8 लोग सवार थे, 5 तैरकर किनारे आ गए जिसमें से उनकी जान बच गई और 3 लोग नाव के साथ डूब गए। वहीं इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए SP ग्रामीण ने बताया है कि कल देर शाम के बाद यह घटना हुई है, जहां 8 लोग के डूबने की खबर मिली थी, जिसमें से 5 लोग तो किसी तरह नदी के बाहर आ गए, वहीं 3 लोग नाव पलटने से डूब गए, जिनका कल शाम से ही इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी तक तीनों की बॉडी बरामद नहीं हुई, जिसमें से लोकल संसाधन लगाया गया है और स्थानीय नागरिक जल पुलिस सुबह से ही गोताखोरों को पूरा कर पुनः तलाश जारी है। कल दिनांक 8 दिसंबर 2019 को जनपद बस्ती में थाना छावनी की ओर से सरयू नदी क्रॉस करके महाराजगंज में मरना घाट की ओर एक नाव आ रही थी, जिसमें 8 लोग सवार थे और इसमें 3 लोगों की नाव पलटने से ये डूब गए हैं और मिसिंग हैं, और कल शाम से ही इनको रिकवर करने के लिए प्रयास चल रहा है और आज पुनः ये अभियान प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इनकी बॉडी बरामद नहीं हुई है और इसमें लोकल संसाधन लगाए गए हैं, स्थानीय नाविक और जनपद के कई स्थानों से बुलाए गए गोताखोर इसमें काम कर रहे हैं, जल पुलिस भी काम कर रही है, मोटर बोट भी लगाई गई है और ये लगातार सर्च अभियान चल रहा है, लेकिन अभी तक ये बॉडी बरामद नहीं हुई है।